हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं ETS 2 यानी कि यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2। और भाई आज हमें मिला है ये स्कैनिया का भाई बहुत ही ज्यादा टायरों वाला, यानी कि 8x8 या 10x10 टायर है इसके अंदर। देखो पहली टायर है भाई, जबरदस्त टायर ट्रक मिला है। और ये है भाई R73 V8 वर्जन और ये है येलो कलर का। और आज हमें छोड़ना भाई SS3 स्टाइस, तो एक मिसाइल छोड़ने की मशीन होती है जिसके अंदर भाई रडार भी लगे रहती है मिलिट्री की। तो मैंने आपसे पिछली बार बोला था कि हमें मिलिट्री का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो सारी कंट्री क्या कर रही है कि वर्ल्ड वार, अगली वर्ल्ड वार के लिए भाई अपने अपने देश में सामान जुटाने लगी हुई हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार ये लड़ाई झगड़ा बंद करके अपने आराम से रहो, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं इसको। और ये रहा भाई अपना SS3 स्टाइस और ये आ गया भाई पीछे। लेकिन अभी भाई सुबह का टाइम है, आई मीन 5 बज रहे हैं, तो अभी आपको जर नज़र नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अभी जाते जाते भाई सुबह हो जाएगी। और इसको पहुंचाना है, अभी देखते हैं भाई इसके अंदर GPS वगैरह है कि नहीं। और हाँ भाई GPS लगा हुआ है। इसको पहुंचाना भाई 303 किलोमीटर पे। तो डालते हैं भाई अपना गियर और ये गियर 1 सेकेंड। तो इसके अंदर देखते हैं भाई इस अपने ट्रक के अंदर टोटल कितने गियर होने वाले हैं। ये भाई देख, बहुत ही ज़बरदस्त मिलिट्री का भाई ये सामान से निकालेंगे भाई सीधा सीधा। ले भाई ले। और ट्रक यार बहुत ज़बरदस्त मिला का भाई, 8, 9, 10 12 ट्रक, 12 टायर है भाई, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा है। चल भाई निकास ले 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 ले। देखो बंदा खड़ा हुआ देख रहा है, बंदा खड़ा हुआ देख रहा है कि भाई हमारा माल सही तरह जा रहा है कि नहीं जा रहा। ओके चल भाई चल चल चल, इधर तो जाना मना ही है, तो भाई उधर को जाना पड़ेगा। ओ भाई इसमें C1 C2 गियर भी हैं यार, इसके अंदर गियर सिस्टम कुछ और है। ओके अब लगाते हैं भाई और टॉप गियर 12, सीधे ही 4 से 11। वाह भाई ये कौन से गियर हैं, इसमें C1 C2 गियर भी है भाई कुछ। तो अभी देखते हैं गियर की सेटिंग वगैरह कैसे होगी और हमें कहाँ जाना है भाई। ये सीधे ही जाना है अभी तो फिलहाल। तो 1 सेकेंड गियर भाई देख लें जरा, 11, 12। और इसको लगाते हैं C1। तो इसमें भाई C1 C2 भाई, ये तो नई चीज़ देखने को मिली है। और ये लगा 1, तो सीधे लगाते हैं 3। और इसमें कौन से लगे भाई 4। और इसके बाद देखते हैं तो भाई 4 के बाद 11 क्यों आ रहा है, और C1 12। बहुत ही विचित्र गियर है भाई, इसके चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग मुझे लगता। अभी देखता हूँ मैं, थोड़ा बाहर निकाल लूँ इसको ट्रक को। और ये आ गया भाई अपना ट्रक बाहर। तो भाई 4 के बाद सीधा 11 गियर अच्छा नहीं लग रहा, तो क्योंकि इसके अंदर ट्रक अलग अलग हैं और उनके अंदर गियर भी अलग अलग हैं। ये है भाई देखो मशीन, ये मशीन नहीं सॉरी, ये भाई औजार अपने मिलिट्री के। पीछे कोई आता नहीं था, कोई नहीं है, चलो निकालते हैं इसको आराम से। और बस ठीक है, और गियर लगाते हैं भाई टॉप 12। इसमें 12 गियर हैं भाई टोटल, तो लगा तो मैंने सही रखा है रेंज। पता नहीं अब समझ नहीं आया कि ये क्यों गियर ले नहीं रहा। तो सेटिंग चेंज करके देखते हैं। 1 सेकेंड भाई यहीं से मुड़ना, C1 C2 1 4 4 गियर सही करने पड़ेंगे भाई, गियर ठीक नहीं डल रहे, ऐसे तो इंजन ख़राब हो जाएगा। बस भाई आराम से, 1 मिनट, कोई नहीं आ रहा वैसे तो, इधर भी कोई नहीं आ रहा। चलो निकालते हैं इसको धीरे धीरे, गाड़ी आ रही है। चल भाई चल चल चल, ओके 1 मिनट भाई मैं जरा इसके गियर सेट कर लूँ, तो देखता हूँ 1 सेकेंड। तो चलते हैं ऑप्शन में, कंट्रोल में, और नीचे चलते हैं। तो ये लगा भी अपनी रेंज, तो हम लगा लेंगे भाई स्प्लिटर, ठीक है
को चेंज कर लेते हैं अभी। अब C1 C2 और ये लगा पांचवा। ओके अब ठीक है, कुछ तो सही हुआ। आठवा ठीक है भाई, अब ठीक है। वो तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही थी। कोई नहीं आ रहा भाई, आराम से। तो C1 के बाद पहले ही दूसरा गियर आ जा भाई। चल 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 चल, निकाल दे निकाल दे भाई, बहुत लंबा है सिस्टम। एक मिनट भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चल भाई चढ़ा दे, चढ़ नहीं पा रहा भाई, स्पीड बढ़ाओ। ओ भाई बच गए अभी, इसको मोड़ने के चक्कर में अभी एक्सीडेंट होने वाला था यार। ये क्या जलेबी सी पका रखी है, मतलब ये कैसे भेज रहे हैं मेरे को समझ नहीं आई। तो अलग अलग ट्रक में भाई अलग अलग गियर, ये लगा भाई। अब 11वां, तो तीन ही रेंज होती है भाई, एक रेंज, एक स्प्लिटर, एक रेंज स्प्लिटर। तो तीनों के हिसाब से ट्रक जो जो मिलेगा उसके हिसाब से लगाने पड़ेंगे गियर। अरे 8 11, और ये 12वां। अब 12वां क्यों नहीं आया? ओके तो इसमें टोटल 11 गियर आएंगे भाई, और हमें जाना भाई इधर से। निकालते हैं भाई इसको जल्दी से, और अब सुबह होने वाली है। देखो सुबह हो ही गई, 6:17 तो हो ही गए। तो इसके बाद एक और गियर था, वो नहीं आया। तो भाई ये रास्ते बहुत ही उटपटांग बना रखे हैं इन्होंने। ये यहाँ से मुड़ना है, काटते हैं इसको। तो भाई सारे देश लगे हुए हैं अपने अपने हथियार क्षमता बढ़ाने में, किसी को कुछ चाहिए, किसी को भाई कितने कितने इन्होंने एटम बम बना लिए हैं, परमाणु न्यूक। तो क्या करेंगे भाई, दुनिया को बर्बाद कर देंगे यार। भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बना के दी थी इंसान के हाथ में, ले भाई और यहाँ पे रह आराम से, फल फ्रूट खा और मौज ले, लेकिन भाई इंसान को सब्र नहीं है यार। इंडिकेटर बंद क्यों नहीं होता अपने आप? चल चल चल, गाड़ी वाले निकल भाई, रुक रुक रुक। अरे पीछे वाली गाड़ी रुक जा भाई, गाड़ियाँ बहुत तेज चलती रहती हैं यहाँ पे। और भाई स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहे ट्रक? ओ पकड़ेगा नहीं भाई, टॉप गियर लगाना पड़ेगा इसका। 12 नहीं लग रहा, 12 के बाद लगाने की कोशिश करो। एक मिनट, ओ अच्छा 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 भाई, यहीं पे 11वां और यहीं पे 12वां। यार ये क्या चक्कर है, ये 11वां और ये 12वां। तो टॉप गियर के लिए इसी बटन को दबाना पड़ेगा यार, ये इसमें ऐसे ही है। तो रेंज लगाई थी लेकिन रेंज में भी आए नहीं थे गियर। तो 12 गियर हैं और इसके अंदर हैं टोटल 14 गियर। 14 ऐसे हो गए कि C1 C2 भी है। अब C1 C2 भी लगाना पड़ेगा, तो इसे जाना है, इसे जाना। ओके ओके ओके, ले अब भाई। ओके भाई यहाँ पे मारो ब्रेक, ओ थोड़ा आगे भाई। ओके चल, तो करते हैं एंटर। अबे डी कपलिंग क्यों कर दी? ओ सॉरी गलत बटन दब गया। एक मिनट, अरे यार एंटर का बटन लगाया था, ये पता नहीं गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, एंटर मार देंगे। तो मैंने अपने कीबोर्ड को साइड में लगा लिया था ताकि भाई बार बार मुझे निकालना पड़ता था, बहुत दिक्कत वाला काम था। अब देखो 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, तो 7 के बाद 10, और उसके बाद देखते हैं। अभी थोड़ी रेस पकड़ने देते हैं इसको। चल भाई इधर रुक 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 भाई, कार भाई कार वाले रुक, थोड़ा सबर कर भाई सबर कर। यहाँ मिलिट्री का सामान लेके जा रहे हैं तगड़ा सा। अच्छा तो 10 के बाद 12, तो इतने गियर हैं टोटल। तो स्प्लिटर क्या करता है, कम कर देता है गियर को, तो ज़्यादा गियर नहीं डालने पड़ते। अब 12 के ऊपर देखूँ तो इसमें नहीं है, टोटल 12 है। तो किसी में भाई ज़्यादा भी हैं, 17-18 भी हैं, लेकिन इसके अंदर 12 हैं। तो हमें जाना भाई 218 किलोमीटर दूर, और यहाँ से जाना भाई राइट, क्योंकि सीधे जाने का तो रास्ते नहीं छोड़ रखा इन्होंने। स्पीड बढ़ गई भाई, ओवर हो गई।
आराम से लेके चलते हैं भाई। स्पीड स्पीड सेट करनी पड़ेगी लगता, आराम से पीछे से पता लगा और कोई आके ठोक गया। ओह ये भाई डबल रोड है, मुझे लगा सिंगल। चलो अब दिखाता हूँ आपको जरा एक बार, ये है भाई वो मशीन अपनी। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि रडार भी लगा रहता है और ये मिसाइल इसके अंदर काम करती है, यानी कि तो मिलिट्री का भाई बहुत तगड़ी। SS-3 स्टाइस इसका भाई पूरा नाम है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, विकिपीडिया वगैरह सब, तो आप देख सकते हो कि ये भाई कितनी घातक मशीन है। तो इसको छोड़ना आज भाई किसी बेस पे, मिलिट्री बेस पे, और अपनी स्पीड जहाँ पर ज़्यादा होगी भाई कट करो। तो भाई दुनिया में तबाही हो जाएगी जब, तो क्या होगा बताओ, कैसे जिएंगे लोग हमारी भाई। अब जो जापान में बम गए गिराया था वो आज तक भी भाई अंधे लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। तो यार मैं लाइट नहीं जला रखी क्या? जला तो रखी है भाई लाइट। अच्छा एक सेकंड, अब लाइट नज़र नहीं आ रही दरअसल। अच्छा लाइट जला रखी थी भाई। तो वर्ल्ड वार से, लड़ाई झगड़े से, वैसे भी वर्ल्ड वार तो छोड़ो, वैसे भी लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता, कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं होता। आखिर में तो भाई समझौता करना ही पड़ता है। आप जितनी मर्जी हिस्ट्री उठा कर देख लो, जिन्होंने समझौते नहीं किए, मतलब जो जो लड़ाइयाँ हुई उनमें समझौते हुए हैं, और जिन्होंने नहीं किए भाई वो फिर बर्बाद हो गए। तो ऐसे होता है, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं रखा यार, क्या है, प्यार से रहो ना। अरे दो चार दिन की ज़िंदगी यार, चिल मारो और क्या, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दुखाओ ना। तो लव भाई, ओ भाई मैंने तो उसको हॉरन अब देखा सुना, आई मीन देखा नहीं सुना। ये भाई क्या जबरदस्त है। ओ भाई तो सीधा चल ले, टेढ़ा क्यों चल रहा है। तो ये क्या है भाई, ओह भाई नदी से आई है, लेते हैं नज़ारा छोटा सा, प्यारा प्यारा। ये अपना ट्रक जा रहा है, ये भाई भाई स्पीड इतनी कम क्यों हो गई, बढ़ाओ भाई स्पीड को यार। 70 की स्पीड आ रही है यहाँ पे, समझ नहीं आया इतना अच्छा नज़ारा और भाई 70 की स्पीड सही नहीं लग रही। ओ भाई किधर चला गया भाई, कल नज़ारे के चक्कर में काम खराब हो गया था अपना भाई मर्डर रनर के अंदर, तो पुष्पा भाई का ट्रक था वो पलट गया था, तो बड़ी मुश्किल से भाई फिर मैं आधा एक घंटा लग गया मेरे को वहाँ पे अमर को पहुँचाने में, बहुत दिक्कत वाला काम था। ओ भाई स्पीड बढ़ाओ, 70 पे कैसे काम चलेगा, मिलिट्री में माल पहुँचाना है मिलिट्री का, यार स्पीड ही नहीं बढ़ रही भाई, स्लो चलानी पड़ेगी गाड़ी लगता आज। भाई कौन सा गाँव है ये भाई, इस गाँव में गांव वालों ने बोला कि भाई इसकी स्पीड कम रखो 75। रुक जा भाई रुक जा, कहाँ आ रहा है पता नहीं, कहाँ घुसे जा रहा। तो 73 74, वैसे यार गांव में तो चलान होना नहीं चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसको भगाते हैं, देखते हैं अब इतनी स्पीड पे जाऊंगा तो भाई मैं कैसे पहुंचूंगा। देखता हूँ 70 की स्पीड है और चलान कितने पे होता है, अपने पास पैसे बहुत है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कितने कमाए भाई, कितने साल से ट्रक चला रहा हूँ। ओ भाई तगड़ा ट्रैफिक आ गया यहाँ तो, डाल भाई गियर। ये ट्रक वाला पता नहीं कहाँ से निकल आया अंदर से भाई, सारी स्पीड की ऐसी देखी ऐसी की तैसी कर दी, भगा 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 10। चल 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 भाई निकाल इससे आगे, भाई कोशिश तो जा रही है। 70 की स्पीड पे जा रहा वो, और मैं जा रहा था 80-85 पे, भाई मेरी स्पीड बर्बाद कर दी, लगा भाई गियर। तो ये इसको बदलने से गियर चेंज हो जाते हैं, देखो नहीं 12 आ रहा, तो इसको एक बार दबाना पड़ता है, तो कोई भी बटन लगाना पड़ेगा सेटिंग के लिए। चल भाई हट 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 हट, ओ मुन्ना कोई गाड़ी ना आ जाए बस आगे से, बाकी सब तो ठीक है। हट जाओ भाई हट जाओ भाई, हॉर्न मार दिया तगड़ा सा डर के मारे, कोई आगे नहीं आया। स्पीड देखो यार भाई, अब बड़ी अब बड़ी 70 ही लिखा भाई हट भाई हट 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 हट, 70 की स्पीड है। ये लगता है गांव में भाई ज़्यादा रिस्क है। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओ भाई ये क्या हो गया, ओ भाई सही वक्त पे भाई ब्रेक लगा दी, देखा ब्रेक क्या तगड़ी थी।
भाई ब्रेक मैंने बहुत ज़बरदस्त रखी हुई है, इधर को काटना है। चल भाई लगता है दूसरे शहर दूसरे कंट्री में जाने वाले हैं। तो रशिया जा रही है क्या ये? ये रशिया में जा रहा है क्या है माल, या फिर भाई यूक्रेन में जा रहा होगा? ओके चल 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 चल, कहाँ जाना भाई? सीधे तो जाना। ब्रेक बहुत ही ज़बरदस्त है। अबे यहाँ पे लाना था तुमने टोल ब्रिज पे, कम वक्त तो सीधे सीधे बोलो ना, पैसे चाहिए भूखे नंगे। अब भाई पासपोर्ट चेक होने वाला है, मैं अपने पास नहीं, अभी अपने पास तो राशन कार्ड ही नहीं, केजरीवाल ने बनाया नहीं। केजरीवाल को पकड़ो, मेरे कागज़ देखने हैं तो। लो भाई मैंने बटन तो लगाया था इसके साथ यार, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, काम नहीं कर रहा। तो एक तो काम कर रहा है कपलिंग का, एंटर वाला बटन पर क्यों नहीं काम कर रहा। चलो कोई बात नहीं, अपना कीबोर्ड जिंदाबाद। और जल्दी देखो भाई, लो भी देख लिए। अबे उस पीछे जो लगी है मिलिट्री का सामान उसको तो देखो, उसको नहीं देखना। चलो भाई ना देखो, बेटे मिसाइल चला दूंगा यहीं पे अगर ज़्यादा पैसे मांग। तो इसमें मतलब इस मशीन के अंदर कोई तोप वगैरह नहीं लगी होती, ये सिर्फ ऐसी मतलब काम करती है। तो इसके अंदर रडार लगे होते भाई तगड़े तगड़े। चल भाई काटते हैं इसको यहाँ से, और अब जाना भाई राइट। कोई गाड़ी नहीं आ रही, इसको काट लेते हैं आराम से, आराम से, आराम से। ओके लो भाई अब तो बढ़िया से कट गई। एक बार और कागज़ चेक होंगे क्या? लगता भाई दो बार कागज़ चेक होते हैं, एक बार में भरोसा नहीं है क्या? अब कहाँ से निकलना है मुझे? एक मिनट भाई, यहीं दिखा रहा है ये भाई, इधर ही दिखा रहा है। जो मेरी लाल पट्टी आ रही है नीचे वो तो यहीं दिखा रहा है भाई। एक बार और चेक होंगे। अच्छा एक बार भाई देश से बाहर जाने पे चेक होते हैं, एक बार देश में अंदर किसी और कंट्री के अंदर एंटर होने पे होते हैं, दो बार चेक करेंगे। कर लो भाई लो कर लो। ओ भाई यहाँ नहीं होने दे यार, निशान तो यहीं पर आ रखा है, अब कर क्यों नहीं रहे? उसके ऊपर टच नहीं हुआ क्या? एक मिनट, मुझे लगता है उस निशान के ऊपर लाना था। यहाँ पे लाना लग, हाँ गलत लग गया ना मैं। चल भाई कर लो, वो खड़े हैं ऊपर दो बंदे, वो देख रहे हैं। देख ले बेटा देख ले, यही छोड़ूंगा तेरे घर पे, अकड़ मत, ये एक्सरसाइज कर रहा है हाथ पीछे करके। चल बेटा चल निकाल, एक्सरसाइज हो रही है ऊपर। ये खड़े भाई दो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेंगे भाई, अंदर बंद कर देंगे, कागज़ गलत हुए तो मारेंगे बहुत, लाल कर देंगे मार मार के। इस गाड़ी वाले को क्या हो गया? ओए क्या हो रहा भाई, क्यों खड़ा हो गया? लगता है इसको मिलिट्री वालों से प्यार है भाई, इज्जत कर रहा है। देखो भाई स्पीड बढ़ी, शुक्र है यार 80 की स्पीड हो गई, वहाँ पे स्पीड कम थी भाई, मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। अबे चल भाई को गया, गियर को क्या हो गया? चलो यार अभी तो स्पीड कम है, स्लो गियर लगाते हैं। तो मतलब कोई भी ट्रक चलाओ उसका टॉप गियर ढूंढो पहले कैसे भी करके, उसके हिसाब से फिर रेंजर रेंज लगाओ स्प्लिटर, या रेंज स्प्लिटर लगाओ, तो ये तरीका होगा सही। अब जैसे कि गियर हैं 12, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि 12 गियर के बाद फिर कौन सा आता है, मतलब आता है या नहीं आता। हो सकता है इसमें 18 गियर होते, तो ऐसा नहीं है भाई। एक मिनट स्पीड नहीं बढ़ रही, अभी स्पीड बढ़ाएं पहले थोड़ी सी, 68 69 70। देखते हैं दसवें पे कितनी स्पीड पे जाता है, दसवें गियर पे भाई 76, 80 की तो हो ही जाएगी। चलो अब लगाते हैं, अब सही है ना 80 की स्पीड पकड़ी। लेकिन इस रूट पे यार मैंने देखा है 90 की स्पीड होती है, ये गांव के अंदर ये कम दे रहे हैं अभी तक भाई। अपनी कोई चलान नहीं कटा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज बहुत ही लकी रहे हैं, आज आज का दिन अच्छा है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है तो इसलिए नहीं हुआ शायद। चलो भाई आ गया मोड़, यहाँ से काटनी है गाड़ी इधर को, पीछे कोई नहीं, चल ठीक है। ओके भाई ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ओह वैसे तो बहुत ही बढ़िया रोड, बंद हो जा भाई। रुक रुक बस आ रही है पीछे से, रोड खाली है, निकाल लेते हैं इसको और जाना है सीधा। तो सारा ये जितने भी मैं मिलिट्री का सामान लेके गया हूँ पिछली बार भी, तो वो भी गांव के अंदर से ही गए हैं। देखो
ये ऐसा सामान भाई गांव के रास्ते से निकालते हैं ये, ताकि लोग पैनिक ना कर जाएं कि भाई पता नहीं कहाँ पे लड़ाई होने वाली है हमारे हाईवे पे, क्योंकि ज़्यादा लोग चलते हैं। गांव के लोग भोले वाले होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मिलिट्री का सामान है किसका, वो कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ जा रही है भाई, वो सोचते हैं कोई घास काटने की मशीन होगी हो सकता है। लेकिन भाई आजकल गाँव के लोग थोड़े चालू हो गए हैं, आई मीन तेज हो गए हैं चालू कर लो, ये नहीं होता कि दूसरा टाइप का चालू। लो भाई बताइए पहला चलान कटा 600 भाई, 97-98 पे जा रहा हूँ तो पैसे तो कटेंगे ही, 80 की स्पीड है। तो अभी तो मैंने रियलिस्टिक ड्राइविंग आपको दिखाई नहीं है, रियलिस्टिक जब देखोगे तब तो भाई बिल्कुल 80 की स्पीड होगी, तो भाई 78-79 पे चलाऊँगा। ये तो ऐसी है बस, फटाफट माल पहुँचाना है, मुझे पैसे मिले हुए एक्स्ट्रा, तो टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने बोला था लाल बत्ती तोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जंप कर जियो यानी के, और भगा लिया जितनी भगानी है, जल्दी जल्दी माल पहुंचा दियो बस। लो भाई 110-11 की हो गई, देखते हैं इस V8 में भाई कितना दम है, कितनी स्पीड हो जाती है इसकी। चल 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 भाई, कट आ गया भाई, ब्रेक देखो मेरी, ये देख रहे हो, ओ भाई इधर ही मुड़, ब्रेक देखी, ब्रेक भाई गजब ब्रेक लगा रखी है भाई, इतने बढ़िया वाले ब्रेक शूट डलवाए हुए हैं ना कि बस पूछो ही मत, पूछोगे तो फिर मैं बताऊंगा भी नहीं। इधर जाना भाई, चल ओके, चल भाई ठीक है, सीधा निकालते हैं इसको। तो कैसा लगा यार आपको गेम प्ले, और थोड़े से व्यू बढ़ाओ यार, व्यू बहुत कम आते हैं भाई, 1300-1350 वीडियो हो चुके हैं अपने टोटल, और अभी तक व्यू आते हैं रोज 50-60 यार, बताओ यार क्या बात कर दी, कम से कम 2-4 मिलियन व्यू तो लाओ। अबे बाकी गेमर के इतने करोड़ों व्यू आते हैं भाई, वो तो करोड़पति बन गए, हम तो भाई लखपति भी नहीं बने अभी तक। और ओह भाई 12 टोटल, तो पिछले 6-7 महीने की जो कमाई मैंने करी थी यूट्यूब से अपने चैनल से भाई, मैंने वो सारी आपको पता है ना, सारी मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर लगा दी भाई। अभी राइजन वाइजन मैंने बढ़ाया लिया, उसके बाद फिर मैंने अभी अपना स्टेयरिंग व्हील लिया 30,000 रुपये का, आपको पता ही है। तो भाई बहुत पैसे लगते हैं, 1.5-1 लाख रुपये मैंने अभी लगा दिए 6 महीने के अंदर, तो क्या करूं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, चैनल ज्वाइन नहीं करते, मैं बोलता हूँ ज्वाइन कर लो भाई, 4 लोगों ने ज्वाइन करा अभी तक, और वो चारों में से कोई भी पंजाबी नहीं है। सच अच्छी बात तो ये है कि खुशी की बात ही है, और पंजाबी बंदे जो आते हैं वो एक ने भी ज्वाइन नहीं करा, वाह भाई वाह। तो ऐसे होता भाई, देखो कोई भी भाई किसान सपोर्ट ही नहीं कर रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई चल 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 भाई, अपने काम पे ध्यान देते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से गियर लगा के। चल भाई आ गया, कट गया, ओके भाई, पीछे भी ध्यान रखना पड़ता है ना, माल सही तरह कटना चाहिए। अब हुई भाई रोशनी एक बार इसको, अबे कहाँ से हटता था ये, तो ये है भाई मिलिट्री, दे देखो ओए हो, अब आया ना सही नज़ारा, ये होती है देखो मशीन, और ये है भाई अपना स्कैनिया, यहीं पे छोड़ना भाई माल, ओके ओके, ब्रेक लगा भाई, कहाँ जा रहा, आगे नहीं जाना, आगे जाने की नहीं हो रही भाई, माल देखूँ जरा अपना सही तरह कट जाए। इंडिकेटर की आवाज़ देखो कितनी प्यारी सी लगती है, लगता कानों की सफाई हो रही है, कोई मशीन कान में घुस गई और बाइक कीड़े निकाल दे कान के, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ले भाई ले, ओके भाई ये कह रहा है कहाँ पे लगानी है, एक मिनट एंटर करते हैं, और 40 पे कहाँ लगानी है, ऐसे करके ठीक है यार, ऐसे करके लगा देंगे यार, क्या दिक्कत है भाई, वहीं तो लगानी है, चल भाई निकाल ले। ये वैसे पीछे से देखने ऐसे नहीं लगता जैसे कोई मधुमक्खी सी आंखें, जैसे दो आंखें बड़ी सी बनी हुई है मधुमक्खी की, अच्छा तो वहाँ लगाना भाई, ओके चल भाई चल, अरे गेट तो चेंज कर ले। ओ भाई देखो वहाँ पे मिलिट्री का सामान और भी खड़ा है, यहाँ से हमें माल और मिल सकता, देखो चल भाई इधर काट, बस 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 पीछे को लेकर जाना इसको, बस ठीक है यार कट, ये तो आसान है थोड़ा सा, क्योंकि भाई पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, ओ यार रिवर्स लगाना था भाई, आगे कान लेकर जा रहा,
और अच्छा कलर दिया देखो ट्रक का, और मतलब जो पीछे हमारा कार को है उसका कलर और ट्रक का कलर भाई सेम है। इसके यार जो पिछला ट्रेलर है ना उसके टायर भी घूम रहे हैं, ये कैसे चक्कर, ये क्या हो रहा, ये तो होना नहीं चाहिए था। लो भैया अभी ये हुआ सीधा, ले चलते हैं पीछे। ओके ओके सही है सही है सही है, एकदम बढ़िया भाई परफेक्ट। लो भाई अबे बंद करो ना, क्या शोर मचा रखा है। अबे ये क्या चला दिया, हैंड ब्रेक लगा दे भाई, ये क्या चला दिया, बंद कर दे भाई इसको। ओके भाई इसको करते हैं डीकपल। ये भाई मिलिट्री का सामान पहुंचा दिया, एसएस ये था एसएस, देखो ऐसे होता है SSC-3 और :: स्टाइस डिलीवर फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग टू कोलावा कौवाला कौवाला। अबे कोलावा तो बॉम्बे में है भाई। ये पहुंचा दिया हमने आज एक्सीलेंट कंडीशन में। तो करते हैं इसको कंटिन्यू, और ठीक है भाई ये तो आज का गेम प्ले। तो बताना कैसा लगा आपको, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ और मस्त रहो भाई। चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब कर दो, जो भी कर सकते हो कर लो यार, फ्री है सब कुछ। आई मीन ज्वाइन करने के तो पैसे लगेंगे भाई, लेकिन सब्सक्राइब तो फ्री में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।